सदर का, और आज हम करने जा रहे हैं फिगर्स एंड कंपाउंड वर्ड्स। जी, कल वाला हमारा टॉपिक क्या था? स्ट्रोक एस एंड स्ट्रोक आर। तो आज हम ये फिगर्स के बारे में करेंगे। ऑब्वियसली यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग का या इस तरह का, यानी कि हमारे मैनेजमेंट कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमें फिगर्स भी शार्ट में लिखना ज़रूरी है, ताकि उसमें हमारे लिए मसला ना बने। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फिगर्स। फिगर्स है क्या? ऑब्वियसली हमारी यानी कि काउंटिंग होती है ना, वन टू एल्स ऑन, यानी कि जहाँ तक हम करना चाहें। ठीक है, वो जो हमारी काउंटिंग होती है उसको एज अ फिगर काउंट करते हैं, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी फिगर्स। जी, फिगर्स वन टू सेवन एंड द फिगर नाइन आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्टेड आउटलाइंस व्हेन दे स्टैंड अलोन। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं कि आपके एक से सेवन तक और फिर जो नाइन है वहाँ से, यानी कि ये जो है बेस्ट अच्छे तरीके से इनको लिखा जा सकता है शॉर्ट हैंड में, यानी कि एज अ फिगर में, सॉरी, जैसे वन टू थ्री वो तो हम इसी से लिख सकते हैं, लेकिन नाइन के बाद नेक्स्ट जब आता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, यानी कि दो हो जाते हैं, तो जब दो हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जी, यहाँ पे क्या कह रही हैं, अदर नंबर्स, दूसरे नंबर एक्सेप्ट राउंड नंबर्स, यानी कि राउंड नंबर के सिवा, ये जो अपना एक से नाइन तक है वो क्या है, राउंड नंबर है ना तमाम, वो जैसे हम यानी कि लिखेंगे उसको रैपिड राइटिंग के साथ हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर हम उसको गैप छोड़ के उसके बाद दोबारा लिखते हैं, जैसे वन अलहदा लिखा जाएगा, जीरो अलहदा लिखा जाएगा, तो वो रैपिड राइटिंग में नहीं आता। ठीक है, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। आर रिप्रेजेंटेड बाय द अरेबिक नंबर्स, राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हाँ जी, राउंड नंबर से क्या फॉलो करते हैं, जैसे कि फॉर हंड्रेड आर हंड्रेड थे। अब यहाँ पे हंड्रेड और हंड्रेड की बात हो रही है, तो हंड्रेड को इन्होंने किसे शो किया है, ऑब्वियसली एन से। ठीक है, अब हंड्रेड थे, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, हंड्रेड हंड्रेड तो होता क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक है तो वो हंड्रेड है। ठीक है, उसके बाद अगर दो होगा तो वो क्या आ जाएगा, एज अ हंड्रेड आ जाएगा, यानी कि जो बराबर पे डिवाइड हो सके। अब हंड्रेड है तो हंड्रेड के बाद टू हंड्रेड आ जाएगा ना, थ्री हंड्रेड, फोर हंड्रेड, सेवन हंड्रेड, यानी हो, यानी कि जितना भी आएगा वो हमारा एज अ हंड्रेड काउंट होगा टिल थाउजेंड तक। ठीक है, टिल थाउजेंड तक, थाउजेंड से यानी कि ब्लो। ठीक है, जितना भी होगा वो हमारा एज अ हंड्रेड से काउंट होगा ये वाला। ठीक है, अगर हंड्रेड थाउजेंड आ जाता है तो ऑब्वियसली उसकी साइन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इन्होंने पहले क्या किया, हंड्रेड दिया, उसके बाद दे दिया सेवन हंड्रेड, तो सेवन उसके बाद हंड्रेड ये। ठीक है, उनका मकसद ये है कि जब सेवन हंड्रेड आ जाए या नाइन हंड्रेड आ जाए या नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन आ जाए तो ऑब्वियसली हम ये वाली साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जब थाउजेंड में जाएंगे तो फिर हम टी एच की साइन यूज़ करेंगे। किसकी साइन यूज़ करेंगे, टी एच की, थाउजेंड की। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है जी, थाउजेंड्स के लिए क्या आ जाता है, अगर एट थाउजेंड है तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, टी एच लिखेंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एस लिख देंगे, थाउजेंड्स। ठीक है, तो जस्ट इतना ही है। उसके बाद अगर आ जाता है हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, हंड्रेड यानी कि थ्री हंड्रेड थाउजेंड आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स सी, पहले क्या करेंगे, हम थ्री लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, फिर उसके साथ टी एच की साइन लगा देंगे, थ्री हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, लेट्स सी मिलियन। मिलियन के बारे में इन्होंने क्या किया है, एम का यूज किया है, और नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, फोर मिलियन। अगर फोर मिलियन आ जाता है तो ऑब्वियसली आप हंड्रेड के लिए यही फिगर यूज करते रहे हैं, तो हम थाउजेंड के लिए भी यही चीज यूज करेंगे, और सेम लाइक दिस मिलियन आ गया है तो मिलियन के भी लिए भी हम यही चीज ही यूज करेंगे। ठीक है, ये फोर मिलियन काउंट होगा, ये मिलियन है, नेक्स्ट मैं फोर मिलियन लिख देता हूँ। लेट्स सी, ये हमारा क्या है, एम फोर और ये मिलियन। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, टू हंड्रेड मिलियन।
जी 200 मिलियन कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएगा और फिर मिलियन आ जाएगा, तो मुश्किल तो नहीं है ना, जस्ट कंसेप्ट ही समझना है। तो जब कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है तो फिर हमारे लिए सब कुछ आसान है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, बिलियन। बिलियन के बारे में इन्होंने क्या यूज किया है, बी को यूज किया है, ठीक है। और बिलियंस के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली बी और एस सर्कल आ जाएगा, तो एज अ बिलियंस काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है जी, डॉलर। अब बिलियन है तो ऑब्वियसली वो थर्ड प्लेस ऑफ द बबल आएगा, और ये डॉलर है तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्लेस ऑफ द बबल आएगा, डॉलर। और ये वाला क्या आ जाएगा, डॉलर, ठीक है। ये था हमारा फिगर का कंसेप्ट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स।